हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2016 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इस पेपर में मैंने 20 क्वेश्चंस दिए हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। देखिए, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं और सरल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं हैं ये, लेकिन रियल क्वेश्चंस हैं ये। देखिए, हर वर्क अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट शोड लास्ट ईयर। सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर हर वर्क लिखा है, यानी ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद यहाँ पर जो आएगा वो आएगा वर्क। तो इसमें इम्प्रूवमेंट आपका जो बनेगा वो ये बनेगा, हर वर्क शोड अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट, मतलब उसने अपने काम में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया। चूंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है हर वर्क, इसलिए शोड यहाँ पर वर्क के फॉर्म में आएगा, और वर्क के बाद ये है पूरा ऑब्जेक्ट, अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट। उसने दिखाया, क्या दिखाया? अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक सीक्वेंस होता है, ये एक नेचुरल सीक्वेंस होता है। तो नेचुरल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। विल यू मी विजिट एंड कम इन द हॉस्पिटल? विल यू डू इट? विल यू गो देयर? विल यू रीड इट? ये रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस होते हैं, इनके थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर है विल यू, अब यहां पर वर्ब आएगी विल यू के बाद, ठीक है? तो एक्चुअली इसमें दो वर्ब जोड़ी गई हैं, विजिट एंड कम। तो इसमें आपका आंसर बनेगा विल यू कम एंड विजिट मी, विल यू कम एंड विजिट मी, यानी फर्स्ट इसमें आपका सही आंसर होगा। क्या आप आएंगे और मुझे विजिट करेंगे? क्या आप मुझसे मिलने आएंगे? ये इसका हिंदी में अर्थ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली। ये सेंटेंस देखने में सही लगता है और इस सेंटेंस को आप स्पोकन इंग्लिश में बोल भी सकते हैं, लेकिन बैडली यहां पर क्या है? बैडली जो है ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है ये, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है कि योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने हेयर कटवाने की, अपने बाल कटवाने की। तो चूंकि ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, इसको इसको यदि हम यहाँ पर लगाएं वर्ब से पहले तो सही रहेगा, ठीक है? रूल के अकॉर्डिंग ये वर्ब से पहले लगते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम ये वर्ब के बाद में लगते हैं। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ये इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है? योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली, इस तरीके से आप स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर तो आपको ग्रामर के क्वेश्चंस को करना है और ग्रामर को ध्यान में रखना है, इसलिए ग्रामर के अकॉर्डिंग थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ओनली ही कैन स्विम। देखिए, ये विश के क्वेश्चंस हैं, इसमें हम बोलते हैं कि काश ऐसा हो पाता या काश ऐसा हो सकता। तो यहां पर इस तरह के सेंटेंसेस में हम वुड या कुड लगाते हैं, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कुड यहां पर सही आंसर होगा। इफ ओनली ही कुड, इफ ओनली ही कुड स्विम, काश वह उस समय तैर सकता, ठीक है? वुड लगाएंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि काश वो उस समय तैरता, जो कि गलत होगा। कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा समझना पड़ता है आपको। काश वो उस समय तैर सकता तो वो उसको बचा लेता, ठीक है? काश वो उस समय तैरता तो ये तो एक एबिलिटी के लिए हो जाएगा। तो कुड यहां पर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसमें सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज वर पास्ड सो दैट द क्रूअल कस्टम वॉज नो मोर। कस्टम हम बोलते हैं एक परंपरा को, एक ट्रेडिशन को, और नो मोर जो वर्ड है, देखिए यहाँ पर काफ़ी क्लोज फ्रेजेस दिए गए हैं, रेडिकेट है, वाइप्ड ऑफ है, डन अवे विथ है। नो मोर, नो मोर हम बोलते हैं किसी व्यक्ति के लिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए हम नो मोर बोलते हैं। वाइप ऑफ का मतलब पहुँचना किसी चीज़ को, वहाँ से हटाना। डन अवे विथ हम नॉर्मली रूल्स के लिए लगाते हैं, ठीक है? परंपरा या कस्टम के लिए हम जो वर्ड लगाते हैं वो है इरेडिकेट। इरेडिकेट यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो काफी क्लोज है ये सेंटेंस, लेकिन इसमें सही आंसर होगा इरेडिकेटेड, जिसको हम बोलते हैं उन्मूलन करना, किसी चीज को हटाना या जड़ से मिटाना। ये बीमारियों के लिए भी ये वर्ड आता है कि जैसे पोलियो को इरेडिकेट कर दिया गया है, तो जड़ से मिटाने के सेंस में इरेडिकेट वर्ड सही रहता है। तो यहां पर इरेडिकेटेड सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज एग्जामिन माई होमवर्क। होमवर्क को हम एग्जामिन नहीं करते, होमवर्क को हम चेक करते हैं। एग्जामिन का मतलब होता है एग्जामिनेशन, परीक्षण करना। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, चेक जनरल टर्म है। इन्वेस्टिगेट
जांच पड़ताल करना, तो जांच पड़ताल तो आएगा नहीं, सी माने देखना, देखना भी नहीं आएगा, चेक एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। एग्जामिनी के लिए चेक यहाँ पर सही वर्ड होगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट के ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द शेरिफ अरेस्टेड द हुडलम्स फॉर प्लेइंग विद द लॉ। शेरिफ एक्चुअली ये इंग्लैंड में चलता है ये वर्ड, और शेरिफ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो चीफ ऑफिसर होता है उसके लिए हम शेरिफ का यूज़ करते हैं, और स्पेलिंग में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। हुडलम्स हम बोलते हैं जो गुंडे मवाली लोग होते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं। तो द शेरिफ अरेस्टेड द हुडलम्स फॉर प्लेइंग विद द लॉ। प्लेइंग विद द लॉ कानून के साथ खेलना, हालांकि ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सही जो वर्ड होगा वो होगा ब्रेकिंग द लॉ। हम अरेस्ट उसको तभी करेंगे जब उसने किसी कानून को तोड़ा हो, तो ब्रेकिंग द लॉ यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू टेल यू द ट्रुथ आई एम नॉट देयर लास्ट नाइट। चूंकि यहाँ पर लास्ट नाइट लगा हुआ है, तो लास्ट नाइट के साथ, लास्ट नाइट तो पास्ट का वर्ड है, तो इसको हम पास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर हम एम के स्थान पर लिखेंगे वॉज। टू टेल यू द ट्रुथ, यदि मैं आपको सच बात बताऊँ तो कल मैं वहाँ पर नहीं था, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वॉज। दे स्पेंट मैनी आइडियली आवर्स जस्ट सिटिंग इन द सन। उन्होंने काफ़ी 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 टाइम गुजारा, काफ़ी घंटे उन्होंने गुजारे केवल केवल फालतू बैठ के, केवल धूप में सूरज के नीचे बैठ के फालतू में उन्होंने समय गुजारा, ये इसका मतलब है। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, स्पेंट वर्ब है, उन्होंने गुजारा क्या गुजारा, मैनी मैनी आवर्स। अब ये आर्स कैसे थे, मैनी आइडल आर्स थे, फालतू के मतलब जिसमें कोई कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका वो ये होगा आइडल, IDLE, आइडल, आइडल आर्स, ठीक है। सेकंड इसमें सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देर आर मैनी कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस कुड बी प्रिवेंटेड। क्योंकि हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं कि जितने भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो संक्रमण से फैलती हैं उनको रोका जा सकता है, उनको रोका जा सकता था, हम नहीं बोलेंगे उनको रोका जा सकता है, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीजेज कई सारी होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये सेकेंड वाला आपका आंसर सही होगा, कैन बी प्रिवेंटेड। हम एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम है और उसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो सेकेंड इसमें आपका सही आंसर होगा, कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। चूंकि यहां पर लिखा है ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो इसलिए इसको हम पास्ट में नहीं बोल सकते, ये हम प्रेजेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कैन बी प्रेजेंटेड इसमें सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वॉइस चेंज के क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन हैं। बॉडी लैंग्वेज इज यूज बाय ऑल गुड कम्युनिकेटर, तो ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि इसमें इज ए मार्क के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये पैसिव वॉइस में है। इसको एक्टिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे, बॉडी लैंग्वेज इज यूज्ड बाय ऑल गुड कम्युनिकेटर, ये जो बाय एलिमेंट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव वॉइस में, ये उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ये, ठीक है। और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा ऑल गुड कम्युनिकेटर्स यूज बॉडी लैंग्वेज। इसमें ये यूजेस है तो यूजेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है। ये आर, ये तो पैसिव वॉइस हो गया, और इसमें ऑल नहीं है तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑल गुड कम्युनिकेटर्स यूज बॉडी लैंग्वेज, फर्स्ट इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द क्राउड गेव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मैराडोना। क्राउड ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया मैराडोना को, तो गेप से हमें पता पड़ रहा है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वी टू है ये, और ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस के साथ हम क्या लगाते हैं पैसिव वॉइस में, वॉज या वर लगाते हैं, तो वॉज ये दोनों तो एलिमिनेट कर दिए आपने, ये आएगा, और इसमें चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है इसलिए इसमें बींग नहीं आएगा, इसमें आएगा थर्ड, तो थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। People avoid crowded buses. People subject हो गया, avoid verb हो गया, People avoid, लोग avoid करते हैं, क्या avoid करते हैं, crowded buses. तो crowded buses से ये बनेगा, और crowded buses चूंकि plural है
और पिजन सिंपल टेंस है ये, तो इसमें आएगा आर। तो क्राउडेड बसेस आर अवॉइडेड बाय पीपल, यही इसमें सही आंसर है। पीपल से नहीं बनेगा, क्राउडेड बसेस हैव बीन से नहीं बनेगा, पीपल से भी नहीं बनेगा। हाँ, फर्स्ट इसमें सही आंसर है आपका, ठीक है। क्राउडेड बसेस आर अवॉइडेड बाय पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फोर लैंग्वेजेस वर स्टडीड बाय हिम एट स्कूल। तो ये एक्चुअली पैसिव वॉइस है, क्योंकि इज एम आर या वॉच वर्ब के साथ इसमें थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पास्ट सिंपल टेंस में बनेगा, फोर लैंग्वेजेस वर स्टडीड बाय हिम। बाय हिम यानी यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हिम जब इधर जाएगा तो ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हैड इसमें नहीं आएगा, ये भी नहीं है, ही स्टडीड फोर लैंग्वेजेस एट स्कूल, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है, पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव में हो जाएगा ही स्टडीड फोर लैंग्वेजेस एट स्कूल। थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। इसमें आप पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में और नरेशन में आप 100% तक स्कोर कर सकते हैं। सिंपल रूल्स होते हैं, वी डू नॉट एडवाइज हिम दीज डेज। प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये सब्जेक्ट है, ये पूरा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हिम से ये बनेगा, हिम जब इधर जाएगा तो हिम इधर जाके ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ही इज नॉट एडवाइज दीज डेज बाय अस, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, बी से नहीं बनेगा, ही विल से नहीं बनेगा, हैज से नहीं बनेगा, ही इज नॉट एडवाइज दीज डेज बाय अस। ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टीचर सेड, ये नरेशन के सेंटेंस हैं, द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। टीचर सेड का टीचर सेड ही रहेगा, और चूंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये चेंज नहीं होगा, और इसमें यहाँ पर कनेक्टर के रूप में क्या आएगा, दैट आएगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हो जाएगा आपका द टीचर सेड, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टोल्ड नहीं होगा, सेड का सेड ही रहेगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, ठीक है। सेकेंड इसका आंसर है, देखिए इसमें टीचर सेड यहाँ पर दैट नहीं है, द टीचर सेड दैट द अर्थ वेंट राउंड द सन नहीं, टीचर टोल्ड नहीं होगा, सेट का सेट ही रहेगा। टोल्ड तब होगा जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे सेट टू मी या इस तरह से होगा, तब यहाँ पर सेट का टोल्ड होगा। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन, सॉरी सेकेंड इसमें सही आंसर है आपका, इसमें फर्स्ट वाले में दैट नहीं है, तो सेकेंड इसमें आपका सही आंसर होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ को और फैक्ट्स को हम चेंज नहीं करते हैं, उसका टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रहू सेड आई एम नॉट कमिंग टुमारो। टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे इसमें केवल दो ही सेंटेंस में है, तो ये कट जाएगा आपका और ये कट जाएगा। तो इसमें हम बोलेंगे, इसमें चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर जो कनेक्टर होगा वो होगा दैट। तो इसमें हो जाएगा आपका, रघु सेड दैट ही वॉज नॉट कमिंग द नेक्स्ट डे। इसमें दैट नहीं है, इस वाले सेंटेंस में दैट नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। टोल्ड इसमें नहीं आएगा, इसमें हो जाएगा थर्ड, रघु सेड दैट ही वॉज नॉट कमिंग द नेक्स्ट डे, थर्ड इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड ऑल द प्लेयर्स मस्ट रिपोर्ट इन टाइम, ठीक है। तो मस्ट का हम क्या कर देते हैं, मस्ट का हम कर देते हैं हैड टू। तो सेट का तो सेट ही रहेगा, ही सेड दैट ऑल द प्लेयर्स हैड टू रिपोर्ट इन टाइम, फर्स्ट इसमें सही आंसर है, ही सेड दैट ऑल द प्लेयर्स, नहीं हैड टू भी नहीं होगा, ही सेड दैट ऑल द प्लेयर मस्ट, मस्ट का हैड टू हो जाता है, इसका फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा, ही सेड दैट ऑल द प्लेयर्स हैड टू रिपोर्ट इन टाइम। चलिए आगे के कुछ सेंटेंस देखते हैं, माई डॉटर सेट टू बी आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। इसमें इसमें सेट का टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये डॉटर किसी से कह रही है, माई डॉटर सेट टू मी, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा माई डॉटर टोल्ड मी। इसमें कनेक्टर क्या आएगा, कनेक्टर आएगा दैट, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, माई डॉटर टोल्ड मी दैट सी वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग, नहीं, इसमें मैरिंग है, माई डॉटर टोल्ड मी दैट सी वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, मैरिंग नहीं होगा, मैरिड का मैरिड ही रहेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। माई डॉटर सेट टू मी नहीं होगा,
माई डॉटर टोल्ड मी दैट शी वॉज थिंकिंग ऑफ टोल्ड मी इसमें दैट मिसिंग है, यहाँ पर इसमें दैट मिसिंग है, हाँ फोर्थ इसमें सही आंसर है. माई डॉटर टोल्ड मी दैट शी वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड. नेक्स्ट देखते हैं, माई अंकल सेड आई एम ऑलवेज पंक्चुअल. तो सेड का टोल्ड नहीं होगा इसमें. माई अंकल सेड दैट ही वॉज ऑलवेज पंक्चुअल, ये सही है इसमें. माई अंकल सेड दैट नहीं, ही इज नहीं होगा. माई अंकल टोल्ड नहीं होगा. माई अंकल सेड दैट नहीं, ही एट, ये भी नहीं होगा. इसका आंसर होगा माई अंकल सेड दैट ही वॉज ऑलवेज पंक्चुअल, फर्स्ट इसमें सही आंसर होगा. तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ये 2016 के स्टेनो के क्वेश्चंस हैं. और इसमें आगे मैं 17 के और 18 के जितने भी पेपर्स होंगे उनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.